नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। अमरोहा के हसनपुर में शनिवार को नगर पालिका द्वारा करबला अमृत सरोवर पर एक पौधा माँ के नाम कार्यक्रम के अंतर्गत वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर धरती पर हरियाली बढ़ाने को लेकर संकल्प लिया गया। आपको बता दें कि हसनपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत नगर में स्थित करबला अमृत सरोवर पर नगर पालिका अध्यक्ष राजपाल सैनी, विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी के द्वारा वृक्षारोपण किया गया। इस वृक्षारोपण के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष राजपाल सैनी ने कहा कि एक व्यक्ति के लिए माँ का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। इस रिश्ते की गरिमा को समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर धरती पर हरियाली बढ़ाने के दृष्टिकोण से वृहद स्तर पर वृक्ष लगाने का संकल्प लिया। एक पेड़ माँ के नाम लगाकर उसे बचाने का संकल्प लिया है। जनता से अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने का आह्वान किया गया। उन्होंने कहा कि धरती भी माँ का स्वरूप है, इसलिए पेड़ पौधे रहने से वायुमंडल का संतुलन बना रहता है। इसलिए क्षेत्रीय लोगों से अपील की गई है कि वह अपने घरों तथा आसपास के खाली पड़ी जमीन पर इस अभियान के तहत विभिन्न प्रजातियों के वृक्ष लगाकर उसकी देखभाल बेहतर ढंग से करते रहें। अमरोहा के हसनपुर में क्षेत्र के गांव निवासी पीड़ित परिवार ने मकान पर पुलिस के डर से पलायन करने का बोर्ड चस्पा किया है और पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। शुक्रवार को 18 दिन पूर्व मृतक के परिजनों का आरोप है कि रहरा थाना क्षेत्र के गांव ढकिया खादर निवासी जगपाल उर्फ मंगला की तारों के अंदर छोड़े गए करंट की चपेट में आकर मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने गांव के लोगों पर रंजिशन करंट से किसान जगपाल की हत्या करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी थी। आरोपी की धारा 105 PNS में मुकदमा तरमीम हो चुका था, लेकिन उसके बाद भी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, आए दिन जान मारने की धमकी दे रहे हैं, जिसके चलते उन्हें अपनी जान का खतरा सता रहा है। वहीं पीड़ित परिवार ने अपने मकान पर पुलिस के डर से पलायन करने का बोर्ड चस्पा कर दिया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि जमीन जायदाद बेचकर वह लोग यहां से चले जाएंगे, क्योंकि पुलिस द्वारा इस मामले में कार्रवाई नहीं की जा रही। वहीं हल्का इंचार्ज प्रवीण कुमार का कहना है कि आरोपी फरार है, लगातार दबिशें दी जा रही हैं और संबंधित घटना की धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया गया था। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। अरे क्या है ये प्लान का जो बोर्ड लगा रखा है, क्या है पूरा मामला? सर का मारा गया और इसमें इनके मारने में बहुत सारे लोग शामिल हैं, उन लोगों के लिए कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही पुलिस। करंट लगा कर मारे गए मेरे पापा, और हम इसलिए घर आकर हमारे घर पर धमकी देते हैं वो लोग जो क्रिमिनल लोग हैं जिन्होंने मेरे पापा को मारा मिलकर, वो घर आकर धमकी देते हैं कि या तो गांव छोड़ दो या फिर फैसला करो हमारा, इसलिए जा रहे हैं हम घर को छोड़कर जमीन जायदाद बेचकर। तो अभी आपकी पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की? नहीं करी, आज 18 दिन हो गए, कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहे, सब जगह भागे दौड़ रहे, कोई भी नहीं सुन रहा। तो मामला यह है, साजिश करके हमारे भाई को मारा गया तार बिछा के, और उसमें हम थाने गए थे, थाने में हल्की फुल्की धारा लगा के उनकी जमानत करा के वो फरार कर दिया मुल जी। और जी हम थाने जाते हैं, हमें धमकी दी जाती हैं, और हम SP के पास भी गए, CO के पास भी गए, 19 दिन हो गए हमें दौड़ते हुए, कोई भी हमारी कार्रवाई नहीं सुन रहा, और हमारे पास आते हैं और धमकी देते हैं कि या तो फैसला करो या फिर घर बार छोड़ कर भागो यहाँ से। इसलिए हमने ये लगाया है कि हम घर बार छोड़ कर जा रहे हैं, भेजवा चुके हमारी कार्रवाई नहीं। अभी आप उच्च अधिकारियों से मिले थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया था? वो एक दो दिन कोई बोलते हैं बस, कुछ भी नहीं कर रहे जी, कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई? नहीं की गई, बोल देते हैं एक दो दिन लोगों करते हैं। ताकि हमारा भाई करंट लगा के हत्या कर दी थी, और राजवीर उर्फ रज्जू, पिता का नाम जयलाल और भोलू उर्फ भूप सिंह और पिता का नाम राजवीर, इन्होंने तार बिछाकर हमारे खेत में मेरे भाई की मृत्यु कर दी, और हम गए थाने, पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की, और हल्के धारा में उनकी मुकदमा लिख के आज भी फरार हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा। प्रवीण कुमार हमें आता है और धमकी देता है और गाली गलौज करता है, दरोगा हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। कहाँ शिकायत की है? हमने SP के यहाँ भी की है, CO से साहब से भी की है, और थाने में भी शिकायत की, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही कहीं पर भी। एक दो दिन को कह दें, आज 18 दिन हो गए, हमारी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। प्लान क्यों कर रहे हो? प्लान का धमकी दे रहे हैं हमारे घर पर आकर, आकर या तो फैसला कर लो नहीं तुम्हें भी जान से मार देंगे। पुलिस भी धमकी दे रही है।
अमरोहा के हसनपुर में शनिवार को नगर में कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होकर दर्जनों लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। नगर के मोहल्ला कायस्थान में यासीन खान के आवास पर कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश सचिव अफसर अली खान और नगर अध्यक्ष चुन्नन भारती, जिला महासचिव नौशाद खान की मौजूदगी में राहुल गांधी की नीतियों से प्रभावित होकर 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की, जिसमें मुख्य रूप से जुनैल आबेदीन सैफी, यासीन खान, असलम सलमानी, मोहसिन इदरीसी, वकील अहमद सैफी, यामीन खान, मंसूर अली, चौधरी रईस अहमद, चौधरी मोहम्मद शकील, मोहम्मद इरशाद अंसारी, शाहबाज खान, मोहम्मद यूसुफ, दिलशाद अली अंसारी, मोहम्मद जफर उर्फ सिबली, निजामुद्दीन खान, बाबर खान, वसीम अहमद, शाहजेब खान, अपरेज खान, परवेज खान, सलमान खान, इश्तियाक अंसारी आदि लोगों ने सदस्यता ग्रहण की। अमरोहा में भारतीय किसान यूनियन शंकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी दिवाकर सिंह के नेतृत्व में संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने एक वृक्ष माह के नाम जन अभियान के तहत वृक्षारोपण अभियान में हिस्सा लिया। गजरोला हसनपुर मार्ग पर स्थित त्रिमूर्ति शिवधाम आश्रम मनोटा पर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भाकी शंकर संगठन के पदाधिकारियों ने वृक्षारोपण जन अभियान को आगे बढ़ाते हुए नीम, पीपल, बरगद, जामुन समेत सैकड़ों पौधों का रोपण किया। इस अवसर पर भाकी शंकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी दिवाकर सिंह ने गुरु पूर्णिमा के मौके पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आगामी 22 जुलाई दिन सोमवार को देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित एक मांग पत्र सौंपा जाएगा। प्रदेश भर की सभी तहसीलों में संगठन के पदाधिकारियों द्वारा किसानों की समस्याओं को लेकर यह मांग पत्र सौंपा जाएगा। चौधरी दिवाकर सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान संघर्ष से हैं। मेरा ये भारतीय किसान संघर्ष का परिवार है, जिसका नेतृत्व तो हमारे प्रदेश संरक्षक संत हर मनोज दास जी कर रहे हैं। आज हम सब गुरु पूर्णिमा मनाते हुए सभी को शुभकामनाएं दे रहे हैं और साथ ही साथ एक वृक्ष अपने पूर्वज या अपनी माँ के नाम से हमने आज वृक्षारोपण किया। इसके साथ 22 तारीख दिन सोमवार को आदरणीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के नाम सभी तहसीलों में देश का किसान कर्जदार है, एक बार इसका कर्ज माफ किया जाए। और पिछले 3 वर्षों से जो संगठन भारतीय किसान यूनियन संकर जो बैंक किसान क्रेडिट कार्ड है उसकी 3 लाख की लिमिट है, उसकी 10 लाख लिमिट कराते हुए और उसका ब्याज समय पे जमा करने पर सरकार वहन करे, इसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। यह मांग पत्र पूरे प्रदेश के अंदर मेरे जिला अध्यक्ष, मेरे तहसील अध्यक्ष, मेरे प्रदेश के जो भी पदाधिकारी गण हैं अपनी अपनी तहसीलों पर देंगे। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।